कि भोजन को बनाते समय, इसको माताएं बहने सब बहुत ध्यान से सुने, पुरुष भी सुने तो अच्छा है। भोजन को बनाते समय पवन का स्पर्श और सूर्य का प्रकाश अगर नहीं मिला किसको, भोजन को, वो भोजन कभी नहीं करना। क्यों? ये भोजन नहीं विष है। कहना क्या चाहते हैं, और आज के हिसाब से विश्लेषण करें, सन 2007 के हिसाब से विश्लेषण करें, अब तक मैंने जो बोला वो बागवट जी का हिस्सा था, अब जो वो बोल रहा हूं वो मेरा हिस्सा है। बागवट जी कह रहे हैं कि प्रेशर कुकर का भोजन ना करें, क्योंकि प्रेशर कुकर एक ऐसी तकनीक है जिसमें भोजन बनाते समय ना तो सूर्य का प्रकाश जा सकता है ना पवन का स्पर्श उसको मिलेगा। फिर मैंने वैज्ञानिकों से बात की कि ये प्रेशर कुकर का भोजन विष है, ऐसा बागवट जी कहते हैं, आपका क्या कहना है? तो हमारे देश में CDRI नाम की एक बड़ी लेबोरेटरी है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहां के दो साइंटिस्टों ने कहा कि यार काम तो हमने करके देखा है, बात सही है बागवट जी। मैं कहता हूं ये टीवी पे बोलो तो उन्होंने कहा ये प्रेशर कुकर कंपनियां गर्दन काट देंगे हमें, तुम चाहो तो बोलो। मैंने कहा आपकी रिसर्च क्या कहती है? वो ये कहते हैं कि ये जो प्रेशर कुकर है ज्यादा से ज्यादा या 99% एल्यूमिनियम के बने हुए हैं, और वो ये कहते हैं कि भोजन रखने और बनाने का सबसे खराब मेटल अगर कोई है तो एल्यूमिनियम ही है। 18 साल का रिसर्च ये कहता है कि अगर इस एल्यूमिनियम के प्रेशर कुकर का खाना बार बार आप खाते जाओ तो गारंटी है कि आपको डायबिटीज, अस्थमा, टीबी, अर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस भी होने की पूरी संभावना है, और सबसे ज्यादा टीबी होने की संभावना है। तो उन्होंने कहा 48 बीमारियों को हम डिटेक्ट कर चुके हैं जो प्रेशर कुकर के खाने से ही होती है, और उन्होंने कहा सबका जीवन कम होता है और जीवन की शक्ति कम होती है, प्रतिकारक शक्ति कम होती है, और रोग बहुत जल्दी उनको आते हैं। मैंने ये तय किया कि पता करो कि ये एल्यूमिनियम कब से आया, तो पता चला 100-125 साल पहले आया, कि अंग्रेजों की सरकार का जो पहला नोटिफिकेशन आया एल्यूमिनियम के बर्तन बनाने का, वो जेल के कैदियों के लिए ही आया, और उनका यह तय हुआ था कि जेल के कैदियों को एल्यूमिनियम के बर्तनों में ही भोजन दिया जाए, क्योंकि ये सब भारत के क्रांतिकारी हैं और अंग्रेजों को इन्हें मारना है। उस जमाने में आप जानते हैं जेल में कोई भी होता था तो वो क्रांतिकारी होता था, भगत सिंह हो या उधम सिंह, चंद्रशेखर हो या अशफाक उल्ला, राजेंद्र नाथ लाहड़ी हो या ठाकुर रोशन सिंह, ये सब तो क्रांतिकारी थे जो जेलों में जाया करते थे अंग्रेजों के जमाने। इनको जानबूझकर एल्यूमिनियम के बर्तन में ही खाना देना है ताकि ये जल्दी मरे या मरने की स्थिति में आ जाए। तो समझ बूझ कर अंग्रेजों की सरकार ने एल्यूमिनियम के बर्तन इस देश में इंट्रोड्यूस किए। अब परिणाम क्या हुआ, अंग्रेज तो चले गए लेकिन जेलों में आज भी ये नियम चल रहा है कि भोजन एल्यूमिनियम के बर्तनों में ही दिया जाएगा। और अब मुश्किल ये हो गई है कि वो जेलों से हमारे घर में आ गया, और हमारे घरों से ज्यादा गरीबों के घर में आ गया, ज्यादा गरीब लोगों के भोजन तो सारे एल्यूमिनियम के बर्तनों में ही बन रहे हैं, और वो बेचारे बिना जाने बूझे ट्यूबरकुलोसिस और अस्थमा जैसी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। मैंने उदाहरण के लिए आपको समझा दिया कि प्रेशर कुकर का भोजन नहीं करना क्योंकि ये जहर है। एक और चीज है अपने घर में, रेफ्रिजरेटर, और एक तीसरी चीज है अपने घर में, माइक्रोवेव ओवन। इसमें भी सूर्य का प्रकाश नहीं जा सकता, पवन का स्पर्श नहीं हो सकता। मतलब सीधा सा ये है कि आधुनिक तकनीकी से बनी हुई चीजें जो हमारे घरों में आई हैं पिछले 15-20 वर्षों में, बागवट जी के अनुसार इनमें रखा हुआ पकाया हुआ भोजन विष है, तो ना करें। आप कहेंगे जी हम तो करेंगे, हम तो छोड़ नहीं सकते प्रेशर कुकर को, हम तो छोड़ नहीं सकते रेफ्रिजरेटर को, हम तो छोड़ नहीं सकते माइक्रोवेव ओवन को, क्योंकि इसमें भोजन से समय बचता है। तो मैं उनसे पूछता हूं ठीक है समय बचता है तो बचे हुए समय का क्या करती हैं? तो ज्यादातर माताओं बहनों का उत्तर है सास भी कभी बहू देखते हैं। और फिर मैं जब उनको समझाता हूं कि ये जो आपने आधा घंटा या एक घंटा समय बचाया भोजन पकाने में, ये आपका घंटों घंटों हॉस्पिटल में खराब कराएगा, तब नेट रिजल्ट क्या? वही शून्य का शून्य। प्रेशर कुकर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो खाने को जल्दी पकाती है, ये है सीधा सा मतलब। अब खाने को जल्दी पकाने के लिए यह प्रेशर कुकर क्या करता है,
जो भोजन आपने उसमें अंदर रखा है पकने के लिए उस पर, और जो पानी डाला है आपने भोजन पकाने के लिए उस पर अतिरिक्त दबाव डालता है, ये है प्रेशर। प्रेशर माने दबाव। और ये अतिरिक्त दबाव कहां से आता है? प्रेशर कुकर में आपने दाल डाली, ऊपर से पानी डाला, थोड़ा हल्दी मसाले डालकर बंद करके रख दिया। अब उसमें वो एक सीटी लगा दी। वो सीटी लगाई, यही सबसे खतरनाक चीज है पूरे प्रेशर कुकर की। सीटी लगाते ही क्या करता है, नीचे से गर्म और ऊपर से भाप का दबाव, किस पर? दाल पर, चावल पर, सब्जी पर। ये दबाव डाल के होता क्या है, एक दाल को तोड़कर दो टुकड़े, जिसको द्विदल कहते हैं, जैन समाज के लोग तुरंत समझ में आ जाएंगे, द्विदल। तो ये दाल जो है ना फट जाती है, वो दाल दरक जाती है और पानी इतना गर्म होता है तो उबल जाती है, पकती नहीं है, उबलती है। पकना और उबलने में अंतर है। उबल गई है और उसका सॉफ्टनेस बढ़ गई है, तो आपने खा लिया तो आपने कहा पकी हुई दाल खा ली। माफ करिए, दाल पकी हुई नहीं है। पकी हुई दाल का आयुर्वेद में एक सिद्धांत है कि जिस वस्तु को खेत में पकने में जितना ज्यादा समय लगता है, भोजन रूप में पकने में भी उसको ज्यादा समय लगता है। तो आप जानते हैं अरहर की दाल को खेत में पकने में कम से कम 7 से 8 महीने लगता है। क्यों? अरहर की दाल में जो कुछ भी है, जिसको आप न्यूट्रिएंट के रूप में जानते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट के रूप में जानते हैं, खेत की मिट्टी में कैल्शियम है, खेत की मिट्टी में आयरन है, खेत की मिट्टी में सिलिकॉन है, कोबाल्ट है, जिप्टन है, जोरोन है, ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खेत की मिट्टी में है। ये पौधे की जड़ में आते हैं, जड़ से तने में आते हैं, तने से फल में आते हैं। इस पूरी क्रिया में बहुत समय लगता है, तो इसलिए दाल को पकने में समय लगता है। आप दाल क्यों खाना चाहते हैं? आप दाल खाना चाहते हैं प्रोटीन के लिए। प्रोटीन कहां से आएगा? ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का कलेक्शन दाल में इकट्ठा है, इनके टूट जाने पर, बिखर जाने पर। तो वो बिखरने और टूटने में उसको देरी लगने वाली है, क्योंकि आने में देरी लगी है। और प्रकृति का दूसरा नियम है कि जिन चीजों को पकने में, बड़ा होने में ज्यादा समय लगा है, उनको डिसॉल्व होने में भी ज्यादा समय लगेगा। और दाल जब डिसॉल्व होगी तब उसके प्रोटीन्स आपको मिलेंगे भोजन में। इसीलिए आप दाल खा रहे हैं, ताकि आपको प्रोटीन की कमी पूरी हो। कुछ विटामिन्स आपको चाहिए, कुछ प्रोटीन्स आपको चाहिए, कुछ और दूसरे अंश आपको चाहिए। तो आयुर्वेद का नियम बिल्कुल सीधा है कि दाल ज्यादा देर में पकी है तो घर में भी ज्यादा देर में पके। अब मेरे समझ में आया कि हमारे पुराने लोग जो बुजुर्ग थे वो कितने बड़े वैज्ञानिक।